गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल लाइफ में ऐसे ही। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और बेलग्रेड के ब्लॉग में। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेलग्रेड का फोर्ट टूर और कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको बेलग्रेड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। बेलग्रेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सर्बिया की, और ये कैपिटल भी है सर्बिया की। और जितना मेरे को पता लगा, यहाँ पे तकरीबन 115 वॉर्स हो चुकी हैं दोस्तों अभी तक। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साबा एंड नॉबी रिवर। दोस्तों, ये भी ट्रैम है, बट ये थोड़ा बड़ी वाली है। जो रेड वाली होती है वो छोटी है। देखिए, आगे रेड वाली भी आपको दिखेगी। दोस्तों, एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है काफ़ी ज़्यादा लाइट्स को फॉलो करते हैं। इवन अगर जो कोई बंदा स्ट्रीट पे वॉक कर रहा है तो दे गिव दे सपोर्ट एंड दे स्टॉप। और अब मैं आ गया हूँ बेलग्रेड के फोर्ट के पास में। ये बेलग्रेड के फोर्ट की एंट्रेंस के बाहर ही हूँ मैं अब। दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेलग्रेड को वाइट सिटी भी बोलते हैं, बिकॉज बेलग्रेड इज़ लोकली नोन एज बियोग्रेड, विच मीन्स वाइट सिटी या वाइट फोर्ट्रेस। और इस सिटी का नाम इसके फोर्ट से ही पड़ा गया है, बिकॉज यू नो इट वॉज बिल्ड ऑन द वाइट रिज दैट हैज़ बीन ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट हिस्ट्री। और दोस्तों, ये फोर्ट डिक्लेयर हुआ है एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ कल्चर 1979 में बाय रिपब्लिक ऑफ। ये है द विक्टर का मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट बेलग्रेड के फोर्ट के अपर टाउन में बना हुआ है, एंड इट वाज बिल्ट टू रिफ्लेक्ट सर्बियाज विक्ट्री ओवर द ऑटोमन एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स। और इसकी हाइट तकरीबन 14 मीटर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसमें मैंने देखा काफ़ी सारे लड़कों ने सर्बियन ड्रेस पहनी हुई है। एक बात का मैं दावा ले सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो तकरीबन 2-3 घंटे आप आराम से बिता सकते हैं। काफ़ी बड़ा फोर्ट है। मेरी रिकमेंडेशन, आप डे टाइम में आइएगा, और स्पेशली ड्यूरिंग सितंबर या अगस्त में काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। दोस्तों, आप फोर्ट का टूर कर सकते हैं, और इसके लिए कोई टिकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये फोर्ट जो कि धनोबी और सावा नदी के किनारे पे बना हुआ है, ये तकरीबन 124 एकड़ का है, जो कि तकरीबन फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक मिलिट्री आउटपोस्ट का काम करता था। इस फोर्ट के अंदर दो म्यूज़ियम, दो टावर, एक बंकर और एक रोमन वेल है यहाँ पर। ये फोर्ट बेसिकली 3 मेन एरियाज़ में है, अपर टाउन, लोअर टाउन और कैलमैगेदन पार्क। सॉरी इफ
मेरी फ्लाइट है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की, तो अब मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह एयरपोर्ट पर। हेलो दोस्तों, सो जैसे मैंने आपको कल बोला था, मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है बेलग्रेड से इंडिया के लिए वाया इस्तांबुल। सो मैं पहुँच गया। साइन ऑफ एंड आई विल हैंड ओवर दिस टू दिव्यांशा नाउ, क्योंकि ब्लॉग ब्लॉग तो उसी का ही है। उसने मेरे को टेम्परेरी दिया था, अब मैं वापस उसको घर पहुँच के थमा दूंगा। देखते हैं अगली यात्रा मेरी होगी या दिव्यांशा की, अब या हम दोनों के साथ में। तो दोस्तों, दीपक घर वापस आ गए हैं, ब्लॉग मुझे मेरा वापस मिल गया है और बेलग्रेड की सीरीज होती है यहीं ओवर। बट मुद्दा खत्म नहीं होता। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रही है, बट सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो। आप ना सब्सक्राइब करोगे ना आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे, तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पता कैसे चलेगी कि कौन सी आई, कहाँ की सीरीज आई? अब वो पता लगने के लिए सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना बनता है ना, सब्सक्राइब पर भी और बेल आइकन पे भी, ताकि नेक्स्ट सीरीज जब आएगी तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। फटाफट से सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर लो और बेल आइकन पे भी कर लो। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इस व्लॉग को और इस सीरीज को तो मैं करूंगी यहीं खत्म। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलूंगी दोबारा। तब तक के लिए बाय।